दिल्ली दौरा किया और यह दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। और सूत्रों की माने तो योगी के दौरे में नई सरकार और नए मंत्रिमंडल को लेकर के आलाकमान से चर्चा हुई। देखिए खास रिपोर्ट। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दिल्ली दौरा, शीर्ष नेतृत्व से योगी की मुलाकात, तय हुई योगी 2.0 की रूपरेखा, कैसे होगी योगी कैबिनेट 2.0। यूपी में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा नई सरकार के गठन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अपने दौरे के दूसरे दिन योगी ने यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों के बीच यूपी के परिणामों पर चर्चा हुई। इससे पहले योगी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी शिष्टाचार भेंट की। योगी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की और प्रदेश की कई योजनाओं पर चर्चा भी हुई। इससे पहले सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। यूपी में जीत के बाद योगी की पीएम से ये पहली मुलाकात थी। सूत्रों की माने तो 100 मिनट तक चली बैठक में योगी की पीएम मोदी के साथ नई कैबिनेट को लेकर विमर्श हुआ। सूत्रों की माने तो योगी 2.0 कैबिनेट की पूरी रूपरेखा तय हो गई। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भी दिया। कहा जा रहा है कि नई कैबिनेट में 2024 का भी अक्स दिखेगा। नई कैबिनेट में जातियों के साथ क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधा जाएगा। इस दौरान चुनाव में छुट्टा जानवरों की परेशानी का विकल्प और गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान करने जैसे बड़े मुद्दों को प्राथमिकता में ध्यान दिया जाएगा। सहयोगियों संग सामंजस्य कैसे बनाएं, नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा, होली के बाद शपथ ग्रहण, नई मंत्रिमंडल के चेहरों की सूची तैयार, छुट्टा जानवर गन्ना बकाया भुगतान पर चर्चा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से भी मुलाकात हो चुकी है। इन मुलाकातों में योगी कैबिनेट की अहम बातें तय हुई। योगी के साथ एक घंटे तक चली बैठक के बाद नड्डा ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत के साथ मैं उन्हें राज्य में फिर से भाजपा सरकार बनाने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने भाजपा के विचारों को समाज के अंतिम स्तर तक पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद अब भाजपा को सरकार की रूपरेखा और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कई अहम और सख्त फैसले करने हैं। इसके साथ ही कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने और हारे हुए वरिष्ठों को मंत्री बनाने की बेहद अहम चुनौती होगी। प्रधानमंत्री मोदी से लगभग 2 घंटे के आसपास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई और कई समीकरणों के ऊपर भी चर्चा हुई है। सबसे खास बात यह रही है, उत्तर प्रदेश के जब चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, इस दौरान कई तरह की घोषणाएं जो हैं वो की गई थी। सबसे अहम घोषणा ये थी कि होली और दिवाली में एक एक सिलेंडर जो है वो फ्री में दिया जाएगा। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात जब हुई थी तब उस दौरान बातचीत जो है इसके ऊपर भी हुई है, हमारे सूत्रों का ये बताना है। फिलहाल अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं दिल्ली के अपने 2 दिवसीय दौरे को समाप्त कर लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।